डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आज 13वें दिन भी बीएड के छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि कल यूनिवर्सिटी के कुलपति द्वारा साफ कह दिया गया था कि धरना स्थल नहीं बदला गया तो डिग्री भी नहीं दी जाएगी, लेकिन धरना प्रदर्शन वहीं जारी रहा। वहीं दूसरी तरफ आगरा विवि में कोई भी बाहरी छात्र बिना आई कार्ड के प्रवेश ना करे, इसके लिए यूनिवर्सिटी में उनका निरीक्षण करने खुद कुलपति पहुंचे। इसकी सख्ती के लिए वहीं पार्किंग की व्यवस्था भी बदल दी गई। किस प्रकार कुलपति ने आपको रोका था, क्या आप पूछ रहे हैं? देखिए, मैं KMI का जिला थर्ड सेम का स्टूडेंट हूँ और मैं कैंटीन में कुछ नाश्ता करने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर उधर से VC साहब आ रहे थे, उन्होंने मुझे रोका, मुझसे पूछताछ की और पूछताछ के बाद में मुझे धमकाया भी और कहा कि ऐसे घूमो नहीं, जब मुझे कुछ खाना पीना हुआ तो मैं कैंटीन में जाऊँगा। और मुख्य इनका टारगेट यह है कि छात्र नेताओं पर पाबंदी लगाई जाए, जिससे कि आगरा विश्वविद्यालय में जो घोटाले हो रहे हैं उनका छात्र नेता आवाज़ न उठाए। कुलपति का कहना यह है कि अगर जिसके पास आई कार्ड हो तो आराम से जा सकता है। नहीं, जो क्या कहते हैं, आगरा विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में जो मजबूत छात्र नेता जो अपना प्रभाव रखती है उनका छात्र नेताओं का इन्होंने आई कार्ड नहीं बनाया हुआ है और इसी तौर पर हर कोई छात्र नेता अपनी जेब में पर्स में फीस रसीद रख के चल रहा है, कहीं ना कहीं ये फर्जी साबित ना करें। ठीक है जी सर। किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर सुचारू रूप से अध्ययन अध्यापन हो, इस निमित्त जो भी विश्वविद्यालय के अंदर छात्र हैं वो अपना आते हैं। बाहर के ऐसे तत्व जिनके पास आईडेंटिटी कार्ड नहीं है, शिकायत मिली है कुछ छात्र नेता के नाम पर विश्वविद्यालय में दलाली करने के लिए आए हैं, इस निमित्त आज मैं राउंड ले रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जिनके पास कार्ड है जिनके पास नहीं। क्या बंद हो जाएंगे उन छात्र नेताओं का विश्वविद्यालयों के अंदर आना? विश्वविद्यालय में अराजकता करने की अनुमति किसी को नहीं, विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है, अपनी समस्या लेकर के आते हैं, समाधान होता है। लेकिन अराजकता फैलाने, क्योंकि कल मुझको एक शिकायत मिली है, एक छात्रा ने लिखित में कहा है कि किसी छात्र नेता ने उसके साथ बदतमीजी की, इस निमित्त आज मैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।